तो दोस्तों खबरों में हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। तो दोस्तों जैसे अपडेट लगाई गई है ईपीएस 95 हाई पेंशन न्यूज, ईपीएस 95 पेंशन हैक न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि राज्यसभा से 2020-18-9 दोस्तों जैसे कि केरल के शासन सीपीएम सरी एलाराम करीम ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के लिए आज 18-9-2020 जैसे कि कल राज्यसभा में हमारा उच्च पेंशन मुद्दा उठाया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने 1-4-2019 को बेकरार रखा था। सभी पेंशनरों की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पेंशन भोगी मित्रों के तैयार संदर्भ के लिए बिना पढ़े पाठ को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों जैसे कि पोइटेड पाउंड पेंशनियों के लिए मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए मांग की प्रकाशित नहीं किया गया है, प्रकाशन के लिए नई 18-9-2020। जैसे कि सरी इलाराम करीम करेला से है, जो अध्यक्ष मोदी भविष्य निधि पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन के पुनरीक्षण की लंबे समय से मांग चल रही है। देश में लगभग 65 लाख पेंशन भोगी है जो इसे ज्वलंत मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने आधुनिक भारत की उन्नति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे कि ईपीएस 95 1995 की शुरुआत के समय ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों ने इस योजना का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें उनके सेवा कार्यकाल के दौरान श्रमिकों द्वारा दिए गए योगदान की तुलना में बहुत कम लाभ दिए जा रहे थे। उनके तर्क को केरल उच्च न्यायालय ने पसंद किया और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बेकरार रखा, लेकिन अभी तक सरकार ने सिफारिशों को लागू नहीं किया है। दोस्तों इसीलिए पेंशनर संगठन और ट्रेड यूनियन संघर्ष की राय पर है। मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना और समान के फैसले को लागू करने का आग्रह करता हूं। कोर्ट समाप्त होता है। तो दोस्तों ईपीएस 95 केस स्टैंड ईपीएस 95 उस पेंशन है, आप इस पोस्ट को पसंद करते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों खुशखबरी की बात है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन में पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया और पेंशन वृद्धि के साथ बकाया राशि की उम्मीद की है। तो दोस्तों जिन मामले में उच्च वेतन पर पेंशन ईपीएफओ द्वारा निपटाया गया है, उनके 24672 संख्या का जानवार विवरण है, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ताकि